तो गाइस हम सीखते हुए आए हैं बचपन से कि तीन इक्वेशन के लिए तीन वेरिएबल लगती है, पर ये कैट है या हमेशा वही होता है जो हम नहीं सोचते। सोचो गाइस, क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दे रखे तीन वेरिएबल के टर्म्स में और आपसे पूछा है x + y + z। अब पैटर्न देखो, यहाँ हर एक कोफिशिएंट में 3 का गैप है, यहाँ हर एक कोफिशिएंट में 2 का गैप है। तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल है, यहाँ का गैप 3 का है और यहाँ का गैप 2 का है। अब एक काम करो, इसको तो उसे मल्टीप्लाई कर दो जो यहाँ पे कोफिशिएंट का गैप था। ये कितना हो गया आपके पास 4x + 10y + 16z = 28। यहाँ का कितना था 3 का, वो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 3×3=9x + 15y + 21z = 33। अब जैसे ही माइनस करोगे होगा एक मैजिक, माइनस करो कितना आया आपके पास, आया 5x + 5y + 5z = 5। जैसे ही आप 5 को सब जगह काटोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई x + y + z = 1 और आपका आंसर आ चुका है 1। गाइस ये पैटर्न है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए रखा जाता है। अगर कोफिशिएंट के बीच में गैप सेम है, ये मेथड हमेशा वर्क करेगा। बस याद रखना, इसका गैप इससे मल्टीप्लाई, इसका गैप इससे मल्टीप्लाई, आपको सीधा x + y + z की वैल्यू मिलेगी।